हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाई क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे हो गए, बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हो गए हैं शाम, शाम को करते हैं हम क्लास डेली। आज आपकी क्लास में हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी हम लास्ट के टाइम पर ज़रूर करते हैं ताकि ये भी हमारा कम्प्लीट और कवरअप होता चले। हिंदी में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास ली थी उसमें भी काफ़ी कुछ बारे में नई नई चीज़ें बताई थी जो कि पहले से हम जान रखते हैं। अब बस रिवीजन टाइप में देखना है। आज हम आपको जो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य हमने पढ़ रखे थे उनमें चेंज करना सिखाएंगे। आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे कि आप कैसे उसमें चेंजेस ला रहे हो या हम उसमें कैसे चेंजेस करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी रिलेवेंट हैं तो वो मैं आपको सिखाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ बन कर रही हूँ जिससे वन बाय वन चीज़ें आपके लिए काफ़ी रिलेटेबल हों, आप समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ और चीज़ें ईजी हों। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ शेयर को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना लोगों से सब्सक्राइब करवाएं क्योंकि हमें साथ एक अच्छी काफ़ी बढ़िया फैमिली को बिल्ड करना है ताकि चीज़ें और इजी भी हों और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीज़ मिल पाए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि हम व्हाट्सएप को काफ़ी कन्वेंटली यूज़ कर पाते हैं और वो उसके यूजर्स भी ज़्यादा इन कंपेरिजन टू टेलीग्राम। उससे क्या होगा कि आप लाइफ टाइम तक मेरे से कनेक्टेड रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हिंदी की क्लास। तो मैंने हिंदी की लास्ट क्लास जब ली थी तो काफ़ी कुछ आपको मैंने पढ़ाया था जो कि आपको हर एक पॉइंट बात मैंने बताई हुई थी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो दिखाएं, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा करवाऊंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर है रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण करना। तो हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में चेंज कर रहे हैं। मैंने वाक्य जो आपको तीन भेद बताए थे उसमें से कैसे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में चेंज कर सकते हैं ये हमें यहाँ पर जानना है। तो सबसे सिंपल सा एक सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सरल वाक्य का पहला यहाँ पर है राधा नाचती गाती है। एक लड़की है राधा, ठीक है, राधा नाचती गाती है। तो ये सिंपल सा लिखा है, वन लाइन में एक सिंपल सेंटेंस लिखा है जिसकी एक मीनिंग भी निकल रही है। लेकिन अगर इसको हम संयुक्त में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि राधा एक यहाँ पर क्या है, राधा एक उद्देश्य है, ठीक है। नाचती गाती जो है वो उसका विधेय है। एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, मैंने पहले पढ़ाया। यहाँ पर हाइफ डैश लगा हुआ जो कि एक विराम चिन्ह का, ये विराम चिन्ह का, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमको सरल से संयुक्त में चेंज करना है तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें कि जो सेंटेंस की मीनिंग है वो भी चेंज ना हो और वैसे का हूबहू वो चीज़ भी रहे और वो संयुक्त में चेंज भी हो जाए। ये बात ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जब चेंज करते हैं तो जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वही सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो राधा एक लड़की है जो नाचती गाती है, तो हम यहाँ पर लिख दें राधा नाचती और गाती, क्योंकि राधा एक साथ दो दो क्रियाएं कर रही है। और दो क्रियाओं से मतलब नहीं, बस ये है कि ये नाचना गाना उसकी क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो राधा नाचती और गाती, तो ये और जो है ये आपका कंजक्शन वर्ड होता है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में और संयुक्त वाक्य यहाँ पर कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, नाचती और गाती को जोड़ रहा है, दो क्रियाओं को जाके फेविक्विक लगा रहा है। तो ये आपका ये हो गया। आगे बढ़िए, दूसरा है सरल से संयुक्त बनाते समय है मोहन हंसकर बोला। मोहन हंसकर बोला, मोहन एक लड़का है जो कि उद्देश्य है, हंसकर बोला वो विधेय है, हंसना उसकी क्रिया है, ठीक है, बोलना भी उसकी क्रिया, एक साथ दो दो क्रियाएं कर रहा है। अगर इसी से एक सरल वाक्य को, एक सरल वाक्य को संयुक्त बदलना तो क्या करेंगे? तो हम इसको चेंज करेंगे मोहन हंसा और बोला। पहले मोहन हंसा, ठीक है, उसे कोई एक बात हो सकता है, कोई मजाक की बात है, कुछ रहा, पर पहले उसने खूब हंसा और हंसने के बाद फिर उसने बोला। तो ये आपको दोनों बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। तो दो आपके ये क्लियर हो गए। आगे बढ़िए, तीसरा, तीसरा है तुम पढ़कर सो जाना, तुम पढ़कर सो जाना। तो अक्सर देखते हो कि हमें सरल वाक्य जब इस तरीके से तो कोई दो दो क्रियाएं एक साथ होती रहती हैं उसमें हम ऐसे कुछ बहुत ईजी है, अभी टफ भी करवाऊँगी आपको धीरे धीरे करके, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक समझिए। देखिए, तुम पढ़कर सो जाना, तो तुम पढ़ना और सो जाना, पहले पढ़ना फिर सो जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल वाक्य में अंकित की कमल छूटकर गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो ज़रूरी नहीं कि सब में और हो, लेकिन मैंने अभी एक ही सेट कर लिया ताकि वो आपके लिए ईजी पढ़ो और समझो, खुद भी बनाना सीखो। तो अंकित की कलम छूट कर गिर गई, तो अंकित की कलम छूटी और गिर गई। नेक्स्ट आइए इसी के साथ देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। पांचवा यहाँ पर आप लोगों के लिए जरा ये है, जरा इसका सर्थ बताइए। पांचवा है बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। जरा बताइए क्या होगा,
फटाफट जल्दी से आप लोग लिखिए अपने चैट बॉक्स में, आप लोग खुद भी अपने आप को जज करिए कि आप लोग को ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे देखने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जो बच्चा गलत बता रहा है उसको आप लोग खुद धोया करो, ठीक है। तब अगर प्रश्न पूछो चाहे वो कोई भी हो, आप लोग आपस ऐसे होता है ना बच्चे मज़ा लेते वैसे लोग, क्योंकि बिना जब तक आप लोग मज़े नहीं लिए आप लोग पढ़ोगे नहीं, तो कोई भी विषय हो उसमें एक दूसरे का बिल्कुल पुलिंग किया करो, ठीक है, ताकि पढ़ोगे इसी बहाने करोगे। हिम्मत है मानता है तो सही करके बताओ, गलत बताने की क्या ज़रूरत है। तो ध्यान रखना, तो बादल गिरते ही मोर नाचने लगा, तो आप जैसे का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे का भी प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर बादल घिरे और मोर नाचने लगा, ठीक है, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। तो इस तरीके से साधारण से आप सरल से संयुक्त में चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, राम प्रथम आते ही खेलने लगा। जैसे राम प्रथम आया और वो खेलने लगा, राम प्रथम आया तथा खेलने लगा, तो हर समय और ही नहीं यूज़ होगा, तथा जो कि यहाँ पर ये नया है, तो इस तरीके से हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं सातवां, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। तो सूरज निकला और फूल खिल, क्योंकि फूल से सूर्य की रोशनी से वो अपना भोजन बनाते हैं और फूल खिलता है ठंडी में, इसीलिए फूल कम खिलता है क्योंकि सूर्य की किरणें उन्हें नहीं पड़ती। तो जब खाना नहीं बनेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि सूरज के निकलते ही फूल खिल उठा, तो सूरज निकला और फूल खिल उठे, तो क्योंकि सूरज के आने से मनुष्य को नहीं फूलों को भी बहुत लाभ होता है। आठवां यहाँ पर है अभिमीत और दीपक खेल कूद कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कहेंगे मैम ये तो तथा दिया हुआ है तो ये खुद सरल में है, जी नहीं, यहाँ पर देखो डैश लगा हुआ है, थोड़ा सा पहचानना भी सीखो। तो राइट आंसर जो संयुक्त में चेंज करने के बाद बनेगा वो ये बनेगा, अभिमीत और दीपक खेल एवं कूद कर रहे हैं। खेल एवं कूद क्या कर रहे हैं, कर रहे, तो एवं भी प्रयोग होता है, और बता दिया, तथा बता दिया, एवं बता दिया, कोई गलती, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं एक बार में नहीं आएगा, दो बार में वीडियोस को देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, इसलिए बहुत परेशान आ गया। जो बच्चे नोट्स पेड लिए हुए हैं उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वहाँ पर नहीं दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं लेकिन नेसेसरी नहीं रहता है कि आए। जब हम ग्रामर पोर्शन ये पार्ट को पढ़ रहे हैं तो एक दो प्रश्न बनता है, कभी कभी नहीं बनता है उस साल, तो नोट्स में उतना रिकमेंड करना ज़रूरी है मैंने नहीं समझा, इसीलिए आप बच्चों को बोलती हूँ कि क्लासेस भी देख लिया करें, क्योंकि क्लासेस देखने से वो आपके टॉपिक्स रिवीजन हो जाएंगे, मैं अपने मुंह से इसको बोल के पढ़ाऊँगी तो उसकी एक वो चीज़ एग्जांपल्स याद रहेंगे, और लिख और नोट्स को आप एग्ज़ाम के पहले एक हफ्ते अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, पहले से पढ़ सकते हैं, ये बातें हैं। तो दोनों में आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर आपका क्लास लेके सुनना है, जब मैं बोलूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो भले आप लिख लो बगल में कहीं, नहीं तो आपको तैयारी उसी से करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ से बिल्कुल भी मत लिखिएगा जब तक मैं कहूँ कि ये टॉपिक लिख लो, या कोई टॉपिक वहाँ पर पढ़ाते समय छूट गया मेरे से लिखते समय, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरल वाक्य क्या है, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, तो कहाँ पर क्या प्रयोग करना वो ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि डैश लगा है तो वहाँ पर हम एवं लगा देंगे, या डैश लगा है तो उसके पीछे कुछ लगा, जी नहीं, जो सही है वो सही जहाँ हमें लगाना है वो आपको ऐसे ढेर सारे प्रश्नों को करने से होगा। नेक्स्ट देखिए, अभिषेक थैला लेकर बाजार चला गया, अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया, तो चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया, तो ये यहाँ पर संयुक्त वाक्य में चेंज हो गया। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आई, चलिए फटाफट लाइक करिए, फिर दूसरा जो सेट है वो भी कर लेते हैं, चलिए क्विक करिए। अभी मैं आपको तत्सव तद्भव का करवाऊंगी, जूही ने कहा था कमेंट आपका, जूही मैं फिर देखी थी लास्ट में, तो करवा देंगे आपको, वो पहचानना पता है बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है, जो कि करवाएंगे, कुछ दिन कर लेते हैं तो शायद काफ़ी बढ़िया रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ कई दिन क्लासेस कर लेंगे। चलिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए, फिर आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले सरल वाक्य से संयुक्त में चेंज करना अभी तक का बताया और 10 एग्जाम्पल बताया, ऐसे मैं आपको पहली बार अगर देखो समझ में आ गया और ठीक है नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ऐसे 20-25 करवा दूंगी तो वो ईजी पड़ेगा। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में अब चेंज करना है, चलिए देखते हैं। पहला, राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य में जब हम करते हैं तो जोशो यह वह ऐसा ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं जो कि पहले आपको पता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक गौण होता है। तो राधा नाचती गाती है,
तो जो रास्ती गाती है वह राधा है। देख रहे हैं कितना बढ़िया है, मीनिंग भी नहीं चेंज हुई और सरल से इसमें तुम्हें भी आ गया। पहचाने कैसे? जो लगा हुआ है, ठीक है। जो नाचती गाती है वो राधा है, वह राधा है। तो यहाँ तक जब तक आपको ये बात नहीं पता चलेगी तब तक ये अधूरा है कि नहीं। जो नाचती गाती है वो कोमल है, जो नाचती गाती है वो गौरैया है, जो नाचती गाती है वो नाचने वाली है। तो ये भी तो बोल सकते हैं, नहीं ये नहीं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या है। तो यहाँ पर है जो नाचती गाती है वो राधा है, वो राधा रानी है। राधा रानी नाचती गाती थी बहुत, ठीक है, कृष्ण के प्यार में। तो यहाँ पर है कृष्ण जी के प्यार में, गलत बोला मैंने। तो जो नाचती गाती है वह राधा है। तो ये आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा, ये पीछे वाला जो गौण वाक्य है ये जब तक नहीं पता चलेगा इसकी कोई कीमत नहीं, ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अधूरा ही रहेगा और अधूरे में ही रह जाएगा। जब तक ये पीछे वाला नहीं पता चलेगा तब ये जाके कंप्लीट होगा कि एक जो नाचती गाती है वह राधा है। ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। तो पूरक की भी बात इसमें है। दूसरा है मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। बहुत यूनिक है, मैंने सेम टू सेम लिया है। जो ऊपर वाक्य लिया था उसी को मैंने पहले संयुक्त में चेंज करना बताया और उसी को मैं मिश्र में भी चेंज करना बता रही हूँ, ताकि एक ही वाक्य को आप भी चेंज करना सीखें और समझें। तो मोहन मोहन हंसकर बोला पहले सरल वाक्य था, वह मोहन है जो हंसकर बोला। तो जो का प्रयोग यहाँ पर आपको दिखेगा और ये आपका प्रधान उपवाक्य होगा, जो हंसकर बोला आपका गौण उपवाक्य होगा। बच्चे जो कि अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। आइए, तुम पढ़कर सो जाना, तुम पढ़कर सो जाना, जब तुम पढ़ लोगे तब तुम सो। तो जो सो भी यूज़ होता है मिश्रित वाक्य बनाते समय और जब तब भी यूज होता है। तो जब तुम पढ़ लोगे तब तुम सो जाना, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आपको ना पता हो, जब तुम पढ़ लोगे तब तुम ये बन जाना, जब तुम पढ़ लोगे तब तुमको ये मिलेगा, तो तुम सो जाना अगर ये पीछे वाला वाक्य नहीं पता होगा तो क्या आप इसको पूरा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको मालूम तो रहेगा नहीं और आप इसके साथ कुछ भी जोड़ते रहेंगे। तो ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। आश्रित कहिए या गौण कहिए, दोनों एक ही है। आगे बढ़िए, सरल वाक्य से फिर अंकित की कलम छूट कर गिर गई। जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहचानने के लिए जो जो है इसमें भी दिया है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, बादल जैसे ही बादल घिरा मोर नाचने लगे। तो जैसे ही जो है यहाँ पर प्रयोग किया, ये आप जैसे देखेंगे जैसे आपकी दृष्टि इसमें पड़ी, इफ़ बट कुछ नहीं करना और कुछ और सोचना ही नहीं, मिश्र वाक्य तुरंत ट्रिक करना है कि अब यहाँ पर क्या बात आपसे कही जा रही है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। छठा क्वेश्चन देखिए, राम आते ही खेलने लगा, राम आते ही खेल राम जैसे ही आया वह खेलने लगा। तो आते ही की जगह पे आया ही, थोड़ा ये हम जो सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे मुँह से खुद निकलने लगता है, वैसे भी हम करने लगते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए परेशान नहीं होना है। राम आते ही खेलने लगा, तो राम जैसे ही आया वह, तो ये पूरा का प्रधान उपवाक्य। खेलने लगा आपको ये जो क्रिया के हिस्से में आ रहा है वो आपका आश्रित उपवाक्य, आपका गौण वाक्य है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज के निकलते ही फूल खिल, सूरज निकला और फूल खिल उठे। तो यहाँ पर और का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया? और का। तो सरल से मिश्रित बनाना इजी है, सभी कुछ में सरल से मिश्रित चेंज करना, सरल से संयुक्त में चेंज करना आसान है, लेकिन कई बार थोड़ा सा समझना होगा। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, अभी मैं और करवाऊंगी लेकिन आज की क्लास में नहीं, फिर और आगे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ इतना ही लिया था, आगे लेकर फिर करवा देंगे, ठीक है। पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि आज ये क्वेश्चंस कैसे लगे, मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि फाइंड आउट करने को कभी कभी आया है। अभिजीत और दीपक खेल कूद कर रहे हैं, जो खेल कूद कर रहे हैं वो अभिजीत और तथा दीपक हैं। तो यहाँ पर जो का यूज़ हुआ, एवं का यूज़ हुआ और यहाँ पर दीपक का यूज़ हुआ। तो इस तरीके से मिश्रित बनाते समय हम इन सबका प्रयोग करते हैं ताकि वो मिश्रित में चेंज हो जाए। और पहचानने के लिए जो, एवं, तथा और ये सब तो वहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही रहता है। आगे बढ़िए, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। तो जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया, जैसे ही वह सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया। तो जैसे ही का प्रयोग हुआ है, वह का प्रयोग हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे आप पहचान जाएंगे कि मिश्रित वाक्य की बात हो रही है या वहाँ पर मिश्रित वाक्य लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, अभिषेक थैला लेकर चला गया, अभिषेक थैला लेकर चला गया।
अभिषेक तब चला गया जब उसने थैला लिया। अभिषेक थैला लेकर चला गया, तो ये सरल वाक्य। अभिषेक तब चला गया जब उसने थैला लिया, तो ये उपदान उपवाक्य है जिसमें तब का यूज़ हुआ और यहाँ पर जब का यूज। तो तब, जब, जैसे, एवं, तथा, इन सब का जब भी वाक्य आपको वाक्य में प्रयोग देखा और आपको ये बोला जाए कि इसमें से मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य क्या है, तो इसको पहचानना, तब आप इसको आसानी से बता लेंगे और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये आ जाओ कि 15 मिनट की क्लास रहेगी, 16 मिनट अप्रॉक्स। मुझे उम्मीद है क्लास छोटी है लेकिन आपका ये टॉपिक भी होता है ओवर। और फिर आप मुझे अब कहेंगे कि मैम, अच्छा एक बात बताइएगा, ये पूरा वीडियो आपने देखा है तो देखने के बाद एक बात ये बताइएगा, लिखिएगा कि क्या अभी मैं आपको मतलब और चेंज करना बताऊं कि बस करूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक क्लास और दूंगी जिसमें और भी आपको चेंज करना, मैं इस तरीके से डिस्कस करके आपको बता दूंगी, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि हाँ करना है तब करवाएंगे। तो चलिए फिर, ऐसे आपके स्माइली भैया की तरह आप भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें, नया टॉपिक।